प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 4.1 का 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ क्या है जिसे एक ही वीडियो में नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा जगह मोबाइल में कम था, इसलिए ऑटोमेटिक कट गया। तो 30 मिनट का वीडियो रहा, तो हम लोग इसको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 1 का कितना, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, 1 का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यहाँ, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इजकल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका रहा 1 का 7 नंबर क्वेश्चन। 6 तो हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखोगे, यहाँ देखो a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, तो उसके सूत्र हम पर उसका इस ए प्लस बी का होल क्यू जो सूत्र है, उस सूत्र पर हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखो, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ देखो, फिर यहाँ क्या है, इसको इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई गुना कर सकते हो, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुना कर सकते हो। तो 2 में 1 से गुना करोगे तो 2, एक यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2x, कितना हो गया x का पावर 3, प्लस और माइनस माइनस, 2x में गुना करोगे तो 2x, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ देखो, फिर एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, 3 दूना 6 6x, एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2, यहाँ देखो फिर एक्स 2x क्यू माइनस 2x, ठीक, यहाँ एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6 में यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई गुना करोगे तो 6 एगो एक्स क्या हो जाएगा, 2x x² प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 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 6 दूना 12 12, एक्स है तो एक्स 12x इजकल टू, यहाँ देखो 2x क्यू माइनस 2x, यहाँ इतना हो जाएगा। अब यहाँ ये आप चाहो तो इधर इसको ला सकते हो, तो इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस इसका जात देखो है या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ लिखते चलो एक्स 6x² प्लस 12x, इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस 2x क्यू, इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस 2x इजकल टू 0, क्या हो जाएगा यहाँ 0, 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर दोनों संख्या इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखो, अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ क्या है एक्स क्यू और यहाँ 2x² माइनस, तो 2x क्यू, तो 2x क्यू में से 1x क्यू घटेगा तो बच जाएगा माइनस एक एक्स क्यू माइनस, क्योंकि बड़ा वाला के सामने क्या है माइनस चिन्ह है, तो बड़ा वाला के सामने जो चिन्ह रहता है वहीं यहाँ उतर जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखो x² 6x² है तो 6x² आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर देखो यहाँ, यहाँ जैसे ये है तो 8 है तो 8 का कहीं जात नहीं है तो 8 लिख दो। 12x प्लस 2x, 12 2 कितना हो जाएगा 14x, 14x इजकल टू 0, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सब अलग अलग जात है, यहाँ जात है ना, तो यहाँ देखेंगे आप इसमें x का अधिकतम घात क्या है, 3 है, एक्स का अधिकतम घात ये क्या है 3 है, तो किसी भी घात 3 वाले समीकरण को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो एक्स का अधिकतम घात क्या है 3 है, इसलिए ये क्या द्विघात बहुपद कभी नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम घात जब 3 है तो ये किसी भी हालत में आपको द्विघात नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे, चूंकि समीकरण समीकरण का अधिकतम घात अधिकतम घात 3 है, 3 है, अतः यह द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 का अधिकतम घात क्या है, x का अधिकतम घात 3 है, तो 3 वाले घात कभी द्विघात बहुपद नहीं हो सकते हैं, जब होंगे तो क्या होंगे त्रिघात बहुपद होंगे। या फिर प्रश्न नंबर हम क्या देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न 8 देखेंगे।
प्रश्न नंबर हम 8 देखते हैं यहाँ, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यू। क्या है ये प्रश्न? एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यू। यहाँ देखो फिर, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, सेम ये लिख दो, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए माइनस बी का होल क्यू। क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 फिर बराबर देखे दे दो, यहाँ एक्स क्यू माइनस 2q, 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 2 × 4 × 8 8 लिख दो डायरेक्ट, माइनस 3 × 2 = 6 एक्स है तो एक्स, एक्स माइनस 2। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ दे दो, एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6 × 6 = 6 x² माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 6 × 12 x माइनस माइनस प्लस 12 x ठीक। उसके बाद इधर सब लाइए पद पूरा, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ प्लस में है x तो इधर माइनस एक्स क्यू, इधर माइनस में है तो इधर प्लस 8, इधर माइनस में है तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 6x², इधर प्लस है तो बराबर के इस पर आएगा तो माइनस 12 x इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया? 0। अब इसका क्या करोगे? हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन एक जात का है। यहाँ तो सबसे पहले देखो, यहाँ एक्स क्यू प्लस में है, एक्स क्यू माइनस में, तो इसको और इसको काट दो, ये आसानी से कट जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ, यहाँ माइनस 4x² और प्लस 6x², तो प्लस 6x² में से माइनस 4x² घटेगा तो बस गया 2x². उसके बाद फिर देखो यहाँ माइनस एक्स और माइनस 12x, तो माइनस 12x और माइनस 1x माइनस 13x माइनस 13x। यहाँ फिर देखेंगे प्लस 1 और प्लस 8, प्लस कितना हो गया? 9, और 0 इधर है तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ जो है इधर पूरा संख्या आ गया है इधर, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ अब आपको देखने का बात यह है कि यहाँ एक्स का अधिकतम घात कितना है? एक्स का देखो अधिकतम घात क्या है, एक्स का तो एक्स का अधिकतम घात आपका क्या है? 2। तो 2 वाले घात, 2 वाले समीकरण क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी द्विघात समीकरण। तो किसी भी संख्या का घात अगर 2 हो तो उसे क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ देखो, तो ये एक्स का अधिकतम घात 2 है, तो 2 वाले घात को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण आप कहोगे, तो यहाँ लिख दो, चूंकि समीकरण समीकरण का अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 है, समीकरण का अधिकतम घात क्या है? 2 है, अतः समीकरण, अतः यह द्विघात द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये क्या हुआ आपका? ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 1 में 7 और 8, ये दूसरा वीडियो जो है ये दूसरा वीडियो में कंप्लीट हुआ 7 और 8, क्योंकि यहाँ जो है फर्स्ट वीडियो में आपके मोबाइल में जगह नहीं होने की वजह से वीडियो रुक गया था, इसलिए इसको पार्ट 2 के भाग में इसको बना दिया गया, और पार्ट 1 में क्या था, 6 क्वेश्चन पार्ट 1 में हो गया और 2 क्वेश्चन पार्ट 2 हो गया। तो इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो ओके बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।